वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई मोटो ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्काई मोटो ब्लॉग्स पे। तो भाई अपनी बाइक की ना सर्विस हो गई है कल, बहुत दिन बाद टाइम मिला यार सर्विस करवाने का, फाइनली हो गई सर्विस इसकी। तो अब भाई सही बताओ ना, पानी की तरह चल रही है, पानी की तरह। पता नहीं क्या ही मैकेनिक था वो, हालांकि उस मैकेनिक से मैं हर बार सर्विस करवाता हूँ, बट इस बार उसने सच में बहुत अच्छा काम किया है। और ये बाइक धंधा ऐसे बहुत फ्री चल रही है यार, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया अब इसमें, मतलब पहले और इसमें, जो पहले चल रही थी और अब चल रही है। बहुत बढ़िया करके सर्विस करी लड़के ने। अब सर्विस के लिए हालांकि मैं उसी से हर बार करवाता हूँ, बट इस बार बंदे ने चार पाँच घंटे नहीं ज़्यादा लगे थे। मैं 12 बजे गया था, 6 बजे करीब घर आया था, हाँ 5 घंटे करीब लग गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो उसको वैसे ही लग जाता है इधर उधर करने में, उनको जॉब कार्ड वगैरह बनाने में। तो 5 घंटे करीब उसने लगा दिए उस बाइक पर भाई, पर दबा के मतलब बना दी बंदे ने। एक्सलेटर तो ऐसा हो गया एकदम फ्री, हालांकि वायर डली है इसके अंदर भी, बट पहले ऐसे रखे थे जैसे टाइट, एकदम स्मूथ चल रहा है। जैसे पता नहीं कौन सी बाइक चला रहा हूँ मैं, मुझे अपनी बाइक की तो लगी नहीं थी, मेरी बाइक तो भाई बहुत ये एक्सलेटर बहुत हार्ड हो गया था उसका, मज़ा आ गया चलाने में, स्मूथ सी हुई बिल्कुल ही फ्री। बट रॉयल फील्ड में भी ना कई चीज़ें बहुत फालतू की हैं कसम से। कल मैंने सर्विस करवाई, हालांकि मैं बिल बहुत कम देखता हूँ, बट लास्ट टाइम क्या हुआ था मेरे साथ, लास्ट टाइम मेरा बिल बनाया था 5000 कुछ का बिल था। तो मैंने वो बिल जो उनका मैनेजर होता है उनको दिखा दिया, मैंने कहा सर ये बिल देखो जरा, मुझे मतलब बता दो ये क्या क्या चीज़ें, एक्सप्लेन कर दो इस बिल को एक बार भाई, इतना तो सबका बनता है। और भाई आप भी कभी सर्विस करवाओ ना तो बिल जब देखो, जब बिल दे तो उससे एक्सप्लेन करवा लो कि भाई मुझे ये बिल एक्सप्लेन करके देख बार कि इसमें क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। उससे क्या होगा ना, कई बार ऐसा होता है कि वो पार्ट डला ही ना हो या सिर्फ रिपेयर किया हो या कुछ किया हो, तो मतलब एक ट्रांसपेरेंसी टाइप हो जाता है कि हाँ ये डला ही नहीं है, ये डला है, वो क्लियर हो जाएगा माइंड में कि हाँ ये नहीं रहेगा कि हाँ फालतू का पैसा लगा है, ऐसा जो भी है वो चीज़ क्लियर हो जाती है भाई। तो बिल ना अपना थोड़ा सा एक बार उससे बोल दिया करो, जो भी वहाँ का मैनेजर हो या सर्विस सेंटर में जो भी होता है उसको बोल दो भाई मुझे बिल एक्सप्लेन करके बता दे क्या क्या डला है, कैसे कैसे डला है, क्या चीज़ जो भी है, तो वो कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने भी अपना बिल एक्सप्लेन करवाया था भाई इससे पहले वाली सर्विस पे, तो मेरा ना 6000 रुपये 5000 रुपये कुछ बिल बना था। तो उसने क्या कहा, जब बिल एक्सप्लेन करवाने गया ना मैं, तो उसने जो बंदा था, तो मेरे में क्या AMC ले रखी है मैंने, तो मेरे को उसमें लेबर चार्ज वगैरह थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, बाकी जो इनका एक सर्विस कॉस्ट होता है 850 रुपये करीब शायद, वो मेरा नहीं लगा था, नहीं लगता मतलब जो मैंने पैकेज ले रखा था उसके अंदर AMC में, तो उन्होंने वो माइनस करा AMC के अंदर। बाकी दो पार्ट थे, पार्ट क्या थे, जो इसका स्विंग आर्म्स के बूस होते हैं ना वो डले थे इसके अंदर, जो सेंटर में जो एक सिल्वर कलर के दो चमकीले से लगे रहते हैं ना, उसके अंदर रॉड वगैरह होती है वो डली थी, बैरिंग डली थी, ये सब डला था, तो वो सब डलवाया था उस टाइम पे। मैं चैन सेटर वो डला था मेरा, तो 5000 करीब बिल बनाया था उन्होंने। तो मैंने उनको दिखाया ना, तो उन्होंने क्या करा, जब बिल देखने गया ना मैनेजर एक बंदा था, उसने टोटल बिल पे मेरे को 1000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया था, ये बोल के कि भाई ये गलत इसमें ऐड हो गया है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, जब पार्ट डला है तो उसका वो पता नहीं कुछ होता होगा जो भी उनका होगा, कि जब पार्ट डला है पूरा का पूरा तो इसमें ये कॉस्ट नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी। तो मेरे 1000 रुपये माइनस हो गए थे उस बिल में, तो भाई मुझे तो फ़ायदा हो गया था, 1000 रुपये सीधे सीधे बच गए। तो इस सर्विस पे मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करता हूँ, एक बार कर लेता हूँ, कुछ हो ही जाएगा 19-20 क्या पता, कुछ तो दिखेगा। हालांकि वो मैंने दिखाने से पहले खुद देखा, तो उसमें एक स्विंग आर्म्स का कुछ लिखा था, ग्रीसिंग वगैरह, नहीं स्विंग आर्म्स कुछ करके कोड वर्ड तो होते हैं इनके, उसमें लिखा हुआ था। और AMC के बाद काट कूट के उसका 500 कुछ रुपये चार्ज कर रखा था उन्होंने, 400 कुछ रुपये कर रखा था चार्ज, 550 का एक्चुअल में होता है वो। वो मुझे बड़ा अटपटा लगा यार, मैंने कहा भैंस किया, मतलब ये डला भी नहीं है पार्ट, इसके 1000 रुपये जोड़ रखे इन्होंने। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई ये किस चीज़ का चार्ज है, कह रहा वो
स्विंग आर्म्स की जो रॉड होती है उसको निकाल के उसकी ग्रीसिंग वगैरह करनी। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ 10 मिनट का काम नहीं था वो, क्योंकि मैंने सामने हुआ है वो काम। उसने इधर से रॉड डाली, रॉड निकाली, खोला, रॉड निकाली, बस और कुछ निकल आया कि उसमें कोई बैरिंग वगैरह पे ग्रीसिंग कुछ नहीं। वो किया रॉड में ग्रीसिंग वगैरह लगा के अच्छे से पैक कर दिया उसने, बस 10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से मुश्किल। और बिल कितना था उसका? 550 डिस्काउंट के बाद 470 कुछ रुपये। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं चला गया मैनेजर के पास, मैंने कहा भाई ये क्या है? कह रहा यार कंपनी की पॉलिसी ही यही है, इसी हिसाब से इसका कॉस्ट आता है ये। मैंने कहा ना भाई ये तो बहुत फुद्दू चीज़ है, मतलब तुम किसी पर ग्रीस लगाने के, खोल के ग्रीस लगाने के इतना कैश चार्ज कर लोगे यार? कह रहे सर ये रूल है, ये फंड संड। कह रहा बाकी मैं करवाता हूँ, टेंशन मत लो। तो उसने ऑलरेडी मेरे को 10-10% मिलता है क्योंकि AMC के थ्रू। तो गया कहता है कि एक काम करो सर का लेबर चार्ज पे 20% और माइनस कर दो। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ, जो बात साफ है साफ है। एक्चुअल मेरे हिसाब से 250 रुपये कुछ कम हो रहे थे उस बिल पे, पर उनके हिसाब से फिर उन्होंने पता नहीं क्योंकि 10% ऑलरेडी था, फिर 10% और कर दिया तो ज़्यादा नहीं हुआ। मुझे लगा टोटल अमाउंट पे कर देगा तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उसने साढ़े ने जो मेन वो था उस पर 10 की जगह 20 कर दिया बस। फिर कह रहा है तो आपका 30 हो जाएगा अगर हम इस बिल पे करेंगे तो। फिर भी 100-200 तो बच गए, कुछ नहीं तो 100-200 बच गए, मना नहीं कर रहा। बहु बात है कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट हाँ भाई एक बार ना उनसे बोला करो कि हाँ मुझे बिल का एक्सप्लेन करके बताओ क्या क्या है, कितने का है, और जो लगे ना जायज़ ना है बोल भी दो कि हाँ ये तो ज़रूरत ही नहीं थी इसकी, क्यों कर दिया, या ये तो गलत करा है तुमने इतना महंगा। वो कुछ ना कुछ कर देते हैं कहीं ना कहीं पे, तो वो चीज़ करवा लिया करो। हालांकि मेरे सर्विस सेंटर में तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई वो गारंटी तक लेते हैं, अगर कोई पार्ट डाला है और वो ख़राब हो गया टाइम से, जब लगता है कि हाँ ये जल्दी ख़राब हो गया इतना नहीं होना चाहिए, तो वो उसको कर देते हैं कहीं ना कहीं जुगाड़बाजी, मतलब जुगाड़बाजी इन द सेंस कि वो रिप्लेस कर देता है। मेरा एक बार मास्टर सिलेंडर ख़राब हुआ था, हालांकि वो मेरी गलती से ही ख़राब हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने बताया बगल में बाइक खड़ी हो जाती है कई बार तो उसका हैंडल टकराता है इस पर, तो ये ख़राब भी इसी वजह से होता है। मास्टर सिलेंडर से झटका लगता है, जब किसी चीज़ का बार बार लगता रहता है झटके से एकदम से मारोगे तो ये ख़राब होगा ही होगा। तो मेरा वो ख़राब हो गया था मास्टर सिलेंडर, तो इस वजह से, और वो डला दो चार महीने पहले था, तो उन्होंने फ्री में चेंज कर दिया था। तो वो सब इनमें ये थोड़ा सा इस मामले में ठीक है जिस सर्विस सेंटर पर मैं करवाता हूँ। अगर साउथ दिल्ली साइड में हो और करवाना चाहते हो तो बता देना, मैं बता दूंगा सर्विस सेंटर ठीक सर्विस सेंटर है। बस थोड़ा सा रहना पड़ता है उसमें भी अपने आप को भी कि हाँ तुम किसी से कम नहीं हो। अगर वैसे रहोगे ना अनजान बनकर कि मुझे नॉलेज नहीं है तो भाई हर सर्विस सेंटर वाला मारेगा तो कोई भी हो, बट ये ठीक ठाक बंदे हैं। मतलब हद हो गई यार, मैं तो उस चीज़ को सोच के भी ना, मतलब और मैंने उसको बोला हंस के, मैंने कहा भाई ये क्या फुद्दूपना है, फिर मुझसे ऐसे निकला, मैंने कहा ये क्या फुद्दूपना है भाई, ये मतलब इतना किस चीज़ का? क्या सर ये कंपनी की पॉलिसी है, उनका ही ऐसा रूल है, उन्होंने प्राइस उनका ही होता है हमारा नहीं होता। मैंने कहा भाई साहब ये क्या ही है, मुझे पता होता ना मैं खुद खोल के कर लेता ये तो। हालांकि उसमें काफ़ी माइनर काम होता है भाई, टायर की अलाइनमेंट वगैरह वहीं से सेट होती है, टायर टाइट ढीला लूज कितना फ्री चलना है सब शायद श्योर नहीं हूँ, शायद वहीं से सेट होता है क्योंकि वो उसी के रॉड पे तो सब कुछ फिक्स होता है चीज़ें मेन सेंटर पे। ये था तो ठीक ठाक ही हो गया था इस बार। 4000 के मतलब मेरा वो AMC है ना, वरना तो 4000 से ऊपर ज़्यादा, तो मुझे ऐसे 3700 रुपये की सर्विस पड़ी मेरे को, जिसमें मेरा क्या इंक्लूड था, एक फ्रंट के डिस्क पैड है वो डले, और एक वो मेन जो बताया स्विंग आर्म्स का ग्रीसिंग वगैरह करने का। भाई साहब मतलब अभी भी मुझे ना वो लग रहा है बड़ा कि ये फालतू के पैसे हैं। वो लगा मेरा एक, और क्या डला था इसके अंदर, कोई पार्ट डला है, सर्विस थी प्रॉपर जो मतलब जो सर्विस होती है पूरी वो थी, पर हाँ ये एक्सीलेटर वायर डला है इसका, एक्सीलेटर वायर डला है, दो पार्ट डले थे, एक्सीलेटर वायर डला था, फ्रंट डिस्क पैड डले थे, और क्या डला था, अब मुझे भी याद नहीं आ रहा उसने क्या डाला है, और शायद ये दो चीज़ें डली होंगी, हाँ ये दो चीज़ें डली थी, बाकी मेरी न्यूट्रल वायर ख़राब हो रखी थी, न्यूट्रल वायर उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो मतलब एक हमारे यहाँ पे बंदा उससे मैंने मांग के, मतलब वो भी रॉयल मेट की सर्विस करता है, तो उसके उसके पास पड़ा था ये पार्ट, तो मैंने उससे लगवा लिया था, वो तो खैर इंक्लूड नहीं करूँगा।
जब वो नहीं डला तो नहीं डला, लेग गार्ड सीधा कर दिया भाई उसने, एकदम स्ट्रेट कर दिया मेरा लेग गार्ड टेढ़ा हो रखा था, बढ़िया हो गया एकदम। सर्विस सेंटर का पता यही फ़ायदा है, अगर आप सर्विस सेंटर पर सर्विस करवाते हो ना तो भाई तुम क्लेम कर सकते हो, चाहे पेड सर्विस हो, अनपेड सर्विस, फ्री सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, तुम बोल सकते हो कल को जाकर उस बंदे को कि भाई तेरे पास सर्विस हुई थी ये गाड़ी और तो उस सर्विस के बाद से ये दिक्कत आई है या तुमने ऐसा क्या किया है, तो वो चीज़ है तुम्हारे पास। लोकल सर्विस सेंटर वाले को नहीं बोल पाओगे तुम इतना, वो गारंटी नहीं लेगी ना उसका कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है, ठीक है, तुम्हारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स होता है इनके पास कि ऑनलाइन क्योंकि हाँ भाई इस बंदे ने इस दिन को सर्विस करवाई थी, इतने किलोमीटर पर करवाई थी, क्या क्या पार्ट डाला था, हर चीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है सर्विस सेंटर का। थोड़ा महंगा पड़ता है मानता हूँ कि हाँ, बट उसमें फ़ायदा भी आता है कई बार, जैसे मेरा मैंने बताया था मास्टर सिलेंडर का, भाई रिप्लेस करा बंदों ने, कोई वो नहीं है, 100 कर लीक हुए थे एक बार मेरे, वो भी ऐसी रिफिल दोबारा किए थे, मतलब हल्का सा लीक मार रहा था, मतलब 100 का भरे उसके बाद लीक कर गया, फिर बंदे ने दोबारा रिफिल करे उसको सही से प्रॉपर तरीके से, 15-20 दिन बाद वो लीक सा मार लगा था, ऑयल आने लगा था, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट किया उसने। बाहर का सर्विस सेंटर, बाहर जो होते हैं ना लोकल, ये नहीं करते भाई, वो मना कर देते हैं, कहते तुमने ये कर दिया होगा, तुमने वो कर दिया होगा, वो बहानेबाजी करेंगे, ये कर देते हैं आराम से। तो थोड़ा सा ये है कि बोलने के लिए रहता है आदमी के पास कुछ ना कुछ, मैं बोल सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ग्लव्स पहन लेता हूँ यार, बहुत ना धूप सी लग रही है, हाथों पे जलते हैं, तो एक मिनट दो मुझे, मैं पहले ग्लव्स पहनूँ। कड़क धूप हो गई सुबह सुबह आज, समझ ही नहीं आ रहा मौसम भी। अब सही है थोड़ा, एक्सीलेटर लगाया तो एकदम पानी की तरह हो गई है। बट उसने इसमें मेरा एक चीज़ और सिस्टम ख़राब हो रखा था मेरे बाइक का, ये ना क्या कहता हूँ उसमें पॉल्यूशन करवाता हूँ ना, इसका पॉल्यूशन फेल हो जाती है, हालांकि एक साल का होता है, एक बार हो जाए तो कोई टेंशन नहीं होती कि एक साल तो चलो कोई टेंशन नहीं है इसकी, बट फेल हो गया था लास्ट टाइम भी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई इसका ना पॉल्यूशन फेल हो जाता है, और मेरा पॉल्यूशन भी डबल पे चल रखा था बिल्कुल, मतलब उसमें एक लिमिट होती है 0.3 कुछ होना चाहिए, तो मेरा 0.6 कुछ हो रखा था, डबल सीधा हो रखा था। तो उसने कहा भाई काम करना, सर्विस करवा के ना वैसे ही चेक करवा लेना मेरे पे आके, मैं चेक कर लूँगा कि हाँ ठीक हुआ है नहीं हुआ, हालांकि मैं ठीक चेक करवाने अब नहीं जाऊँगा, कौन जाएगा चेक करवाने, अब इंश्योरेंस का जब नंबर आएगा तभी जाएगी, अब फिर चेक करवाने क्यों जाऊँ यार, जब मेरा इंश्योरेंस है अभी चल रहा है, बाद में देखेंगे। बट हाँ इसने वो ट्यूनिंग वगैरह कह रहा था, मैं सब कुछ सेट कर दे रहा हूँ उसकी ट्यूनिंग वगैरह, जिससे मतलब कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक तो साले इनके ना, हालांकि मेरी तो चलती बहुत बाइक है तो मेरे खर्चे थोड़े से अलग होते हैं, बाकी के हो सकता है कम ज़्यादा होते होंगे भाई, क्योंकि इतना हो रहा है, देखो मैं 46,400 चल चुकी है बाइक, ठीक है। तो मुझको उसने ये बोल दिया कि भाई इसमें ना आपका जो कार्बोरेटर वगैरह होता है, कार्बोरेटर वगैरह क्या, कार्बोरेटर ही होता है कह रहा, उसका भी ना टाइम आ गया है रिप्लेस करने का, क्योंकि इसमें ना हल्का हल्का वैसे तो नहीं आता, चलाते तो नहीं आता, बट जब बहुत तेज मतलब एक्सीलेटर खींचते ना तो कह रहे इसमें धुआं आता है, हल्का हल्का सा आ रहा है, तो उसका चेंज करने का टाइम हो गया, वो कार्बोरेटर से ही होगा, कार्बोरेटर की ख़राबी है तो हो जाएगा वो। और कार्बोरेटर चेंज होने के फ़ायदे ये हैं कि तुम्हारा ऑयल कम फूकेगा, धुआँ नहीं आएगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, पिकअप हाई होता है, काफ़ी चीज़ होती है उससे। तो मैंने कहा चल ठीक है, उसने खुद बोला था कह रहा अभी मत चल, अभी बट डलवा अभी तो चलेगा ठीक ठाक, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ जब डलना होगा बता दूंगा तुम्हें। वो यही बता रहा हूँ ना, यही खासियत है इनकी सालों की, इन सर्विस सेंटर की, भाई ये ना फालतू का पैसा ऐसे नहीं करता। अब तुम्हारे लिंक में कोई बंदा है सर्विस सेंटर के अंदर ठीक ठाक जो तुम्हारी बाइक करता तो वो करते हैं, मेरे को तो उसने साफ बोल दिया कह रहा भाई अभी मत डलवाना, जब होगी जाओ तो मैं बता दूंगा, बट हाँ इसका टाइम आ गया जाने का, क्योंकि अभी दिखने स्टार्ट हो गए इसके किस उस पर लाइन्स वगैरह बननी स्टार्ट हो गई अंदर। तो मैंने कहा ठीक है भाई,
बता देना जब करवाना हो। खर्चे बहुत आते हैं, यही बोलने वाला था मैं, इन बाइक में यही दिक्कत है भाई, खर्चे बहुत रहते हैं। मैं चलाता रहता हूँ ना, तो मेरे तो पूछो मत। एक तो पेट्रोल, ऊपर से सर्विस, हर चीज़ इतनी महंगी पड़ जाती है। बट वो ये फिर भाई मज़ा भी है। एक चीज़ तो लोग है, और यार सर्विस सेंटर वाले बड़े ख़तरनाक होते हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई यार ये ऐसी, मतलब एक होता है ना एक पॉइंट एक्स्ट्रा बोल दो कुछ अच्छा ही कर देगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये भक्ति नहीं है, पता नहीं क्यों। कह रहा क्या बात कर रहे हैं, भक्ति है। मैंने कहा नहीं यार ये 100 पर जाती ही नहीं खाली। भाई वो ले गया पार्क में, उनने भाई सब चौथे गियर में 100 भगा दी। मैंने कहा भाई, मैंने मजाक किया, तुमने बिल्कुल सीरियसली खोल खाल डाली पूरी की पूरी। कह रहा तुम कैसे बोल रहे थे भक्ति नहीं है। मैंने कहा भक्ति है, बट मैं इतनी ऐसे नहीं भगा जैसे तू भगा रहा एकदम से, मतलब चौथे गियर पर सीधा 100 भगा दी तूने तो। हालांकि मैं भगाता नहीं हूँ, उस समय मैंने ऐसे ही बोला था कि पिकअप विकअप क्या पता थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। बट हाँ कुल मिला के था कि बढ़िया कर दी बंदे सर्विस, मज़ा आ गया। और इस बार मैंने 22, मैंने कितने किलोमीटर पता करवाई सर्विस पता है, वो रिकॉर्ड में चेक किया। मेरे माइंड में चल रहा था कि 4000 किलोमीटर हो गए, 3000 पे होती है, मुझे लगा 4000 हो गए होंगे सर, क्योंकि एक बार मेरे बीच में इसमें टॉपअप वगैरह हुआ था। तो कल रिकॉर्ड चेक किया, उसने खोल के कह रहा भाई तो 6000 किलोमीटर चल चुकी है। तो फिर मैंने उसको बोला, जो उसका मेन जो बंदा है वहाँ का इंजीनियर होते हैं ना, इनके भी चेक करने वाले, गाड़ी को टेस्ट करने वाले, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई वह ट्राई करो इसको चला के, क्या दिक्कत है इसमें। तो उसने कहा गाड़ी एकदम स्मूथ, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो पार्ट वगैरह है ये दिक्कत है, बस ये निडल जाएंगे, हो जाएगा काम, ब्रेक्स वगैरह, मतलब इंजन के, इंजन का कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कहीं से भी, एकदम मस्त चल रही थी और कुछ हुआ भी नहीं वैसा, बस ब्रेक्स हुए ब्रेक्स हुए ये सब पता चला उसे कि ये दिक्कत कर रहे हैं। तो 6000 चला दी थी मैंने, वही है थोड़ा सा मेंटेन रखो ना खुद भी, तो भाई चलती है बाइक है। अब खुद वही है कि लाओ और कुछ करो ही ना, तो फिर तो तीन चलनी होगी तो वो भी ना चले। मेन है इसका चेन वेन का सिस्टम थोड़ा सा मेन है इन गाड़ियों में, थोड़ा सा चेन वेन को मेंटेन रखना पड़ता है मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है। बाकी तो यार इंजन में तो ऑयल डलता है, डलेगा डलेगा चलता रहता है। और ज़्यादा वॉश ना करके नॉर्मल इसको कभी कभार वॉश करो, बाकी वैसे ही कपड़े से साफ करो, सबसे अच्छा तरीका है। अभी बारिश आ गई थी बीच में तो बहुत कीचड़ पीचड़ लगा था, तब तो धोनी पड़ जाती है बंदों को, मतलब नॉर्मल वैसे ना इतना वॉश मत करो भाई को कोई भी हो। रोड चमका दिया भाई, पूरा खड्डे पड्डे हो गए थे यहाँ पे, क्या बात है, बढ़िया हो गया। मतलब बहुत खड्डे खड्डे थे यहाँ पे, डर लगता था, खड्डे रोड़ी वोड़ी सब फैल गई थी, सब बरसात में टूटे रोड जोड़े हैं। आज 2 दिन बाद ऑफिस जा रहे हैं, सैटरडे संडे मजे कर लिए काफ़ी। अब इस वीक सैटरडे नहीं मिलेगा हमें यार, ये सेकेंड और फोर्थ वाला सैटरडे ना बड़ा, सारे सैटरडे ऑफ कर दिया ज़्यादा अच्छा है। बट ये है कि इस बार संडे मंडे मिल जाएगा शायद, क्योंकि वो है ना 2 अक्टूबर, तो 2 छुट्टी मिल जाएंगी, वैसे भी 2 मिलेंगी, फिर अगले वाले में 4 सैटरडे आ जाएगा। सही है मजे मजे। तो ये था भाई अपना कल बाइक की सर्विस का, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया छुट्टी वाला, सर्विस में फिर घर के काम। मैं हर सैटरडे संडे सोचता हूँ दवा के सोऊंगा भाई, पर वो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ ऐसे काम अटकते हैं। चल दीदी,
बट इसमें एक्चुअली ना पता मुझे अभी भी कमी लग रही है इसमें, उसने ट्यूनिंग सेट करने के चक्कर में रेस मुझे लग रहा है ज़्यादा ही वो कर दिया कम। अब जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्ट हो जा रही है कोई दिक्कत नहीं हो रही, एक बार में खट करके स्टार्ट हो जा रही है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उसको रेस कम मिल रही है। देखूंगा एक दो बार, वरना फिर बोल दूंगा भाई इसकी रेस सेट कर दे यार, ज़्यादा ही वो हो रही है डाउन। हालांकि मैं खुद भी कर सकता हूँ, बट खुद छेड़ना मुझे लगता है वो सही नहीं होता, क्योंकि मैं एक बार करी थी पहले भी सेट, बढ़ जाती है वो करते हैं ना थोड़ा सा ठीक करते हैं। हालांकि इनके पास वो जुगाड़ नहीं होता, वरना जो ठीक ठाक बंदे होते हैं इनके पास तो पूरा जुगाड़ होता है कि मतलब कितनी रेस होनी चाहिए, उसके अंदर मीटर वगैरह होता है उससे चेक कर लेते हैं वो। भोला देख रहे भाई, स्कूटर पे स्कूटर ऐसे भगा देते हैं लोग, हम बुलेट लेके नहीं भगाते। पता है एक चीज़ और पचली, इसकी ना ट्यूनिंग से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है वाइब्रेशन पे। अगर इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी बढ़ा दो ना, तो बाइक हिल रही थी खड़े खड़े, मतलब जंप ले रही थी, फिर उसने सेट करी वो कम हो गई। जैसे सेट कर रहा था तो बाइक ऐसे कर रही थी, तक 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 ऐसे उठ रही थी, फिर उसने डाउन कर दिया उसको तो बाइक का जंप मारना कम हो गया यार। मुझे ना बताना कमेंट करके, ये जो नई क्लासिक आ रखी है, ये वाली रिबॉन है, ये है, ये अच्छी लगती है देखने में। मुझके सच में बड़ी अजीब लगती है कसम से। कल वो उसको भी मैं यही बोल रहा था सर्विस सेंटर वाले को, वो भी चला रहा था ना ट्रायल के लिए, तो मैं चला रहा था, वो पीछे बैठा था तो उसको मैंने बोला, वो बोल रहा था, कह रहा भाई तुमने जो ले रखी ना बहुत सही बाइक है ये वाली, मॉडल पूछ रहा था ऐसी। तो मैंने कहा भाई ये सोना है, तो कहता है एकदम सही बात बोल रहे भाई ये सोना है, कह रहे जो अब जो आ रही ना वो तो भाई ऐसी है, मतलब वो काम करता है, सोचो सर्विस सेंटर का, सर्विस सेंटर में बाइक की सर्विस करता है, वो खुद बोल रहा है, कह रहा अब जो आ रही ना वो तो ऐ आ रही है, कह रहा यही थी जो बाइकें थी अच्छी, कह रहा अब तो साड़ों में सेंसर बवाल खर्चे बढ़ाने वाली चीज़ें दे दी है बंदे को भी, और मज़ा भी नहीं है उसके अंदर इतना। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, सही बताऊं कि हाँ चलाने में क्या है, बनाने में क्या है, वो तो सेकेंडरी है। मुझे उसका लुक ही अजीब लगता है यार, पता नहीं क्या सीट वीट अजीब सी बना दी। मुझे वो इसलिए पसंद नहीं है, अरे निकालना कैसे आएगा लोलू, मुझे उसका वो ना लुक ही बड़ा गंदा लगता है। और वो तो और भी बेकार निकाल दिया रही है स्टैंडर्ड जो आई है नई वाली, अजीब ही बना रखी है वो बाइक, सीट वीट पता नहीं क्या ही कर दिया है साला। जिसके पास पुरानी होगी वही खुशकिस्मत है मेरे हिसाब से तो लग रहा है। तो चलो भाई हम भी ऑफिस आ चुके हैं, तो अब वीडियो को एंड कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मैं आप लोगों से मिलूँगा किसी और वीडियो में। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with